अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत जल्द और आसानी से बनकर तैयार होता है फ्रूट एंड नट चॉकलेट डिजर्ट की रेसिपी घर में सभी को बहुत पसंद आती है ख़ासतौर से बच्चों को फ्रूट की खूबियों के साथ चॉकलेट का फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगता है और साथ ही नट का क्रंच बहुत ज़बरदस्त लगता है तो आइए इस मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इस डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर बिस्किट लिए हैं मैंने यहां पर सीक चोको चिप बिस्किट लिए हैं जो कि वजन में 200 ग्राम है 100 ग्राम का एक पैकेट होता है मैंने यहाँ पर दो पैकेट यूज किए हैं आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो अब इन बिस्किट्स को हम एक जिपलॉक बैग में डालेंगे और फिर अच्छे से प्रेस करते हुए इन्हें क्लोज करेंगे ताकि इसमें कोई एयर वगैरह न रहे नहीं तो एयर की वजह से जो जिप लॉक बैग है वो फट भी सकता है अब एक रोलिंग पिन से इन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे आप चाहें तो इसे किसी चॉपर में या ग्राइंडर में कर भी क्रश कर सकते हैं हमें इनका बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है ना ही बहुत ज्यादा बारीक पीसना है, रहे। अभी हमारा जो किया हुआ है वो तैयार हो चुका है इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें बटर शामिल करेंगे जिसके लिए हमने दो टेबल स्पून भरकर बटर को मेल्ट कर लिया है जो कि वजन में तकरीबन 20 ग्राम है और इस बटर को हमने बिस्किट के क्रंच में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बटर और बिस्किट यकजान हो जाए ये देखिए बिस्किट और बटर को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद हम एक ग्लास लेंगे इस तरीके का फ्लेट तले वाला और इससे अच्छे से प्रेस करते हुए बाउल के तले में बिस्किट को हम सेट कर देंगे हमें इवनली इसको सेट कर देना है ताकि इसका अच्छा सा बेस तैयार हो जाए इसे सेट कर लेने के बाद ये देखिए हमारा डेजर्ट का बेस रेडी हो चुका है इसे अब हम साइड में रखेंगे और एक बाउल में हम दो टीस्पून भरकर कोकोआ पाउडर शामिल करेंगे इसके साथ ही हम इसमें दो टेबल स्पून के ही दूध डाल देंगे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या काठे ना रहे ये देखिए हमें इसे इस तरीके से स्मूथली मिक्स कर लेना है ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा एक चॉकलेट सिरप तैयार हो जाए अभी हमारा चॉकलेट सिरप भी रेडी हो चुका है इसे हम साइड में रखेंगे अब एक बाउल में हम हाफ कप भरकर चिल्ड यानी कि बिल्कुल ठंडा किया हुआ दूध शामिल करेंगे जो कि हंड्रेड एम है इसके साथ ही एक पैकेट में इसमें व्पिंग क्रीम पाउडर शामिल कर रही हूँ आप चाहें तो इसकी जगह लिक्विड व्पिंग क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं अब एक हैंड मिक्सर से हम इसे पांच से सात मिनट तक लो स्पीड पर व्हिप करेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए हमने इसमें बहुत ज्यादा स्टिफ पिक्स वगैरह नहीं बनानी है सिर्फ हल्का सा फ्रौदी हो जाने तक इसे विप करेंगे अब हम इसमें जो चॉकलेट सिरप हमने तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसे चार से पांच मिनट तक फिर से विप करेंगे लो स्पीड पर इस डिजर्ट में मैंने सौ ग्राम विपिंग क्रीम पाउडर और हाफ कप भरकर दूध का इस्तेमाल किया है लेकिन अगर आप लिक्विड क्रीम ले रहे हैं तो आप दो सौ यानी कि एक कप भरकर लिक्विड क्रीम लीजिएगा और हमने इसमें जिस विपिंग क्रीम पाउडर का इस्तेमाल किया है वो बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब ये देखिए हमने तकरीबन आठ से दस मिनट तक इसे विप किया है और अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर सिल्की और स्मूथ हो चुका है बस इतने ही इसे विप करेंगे अब हम इसमें बाकी के फ्रूट्स एंड नट शामिल करेंगे इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जिसके लिए मैंने एक सेब लिया है इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है साथ ही मैंने कुछ अनार चीकू और इसके साथ ही एक केला भी लिया है और छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट करके इसे शामिल कर देंगे आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं और इसके साथ ही हमने यहाँ पर आठ से दस बादामों को हल्का सा रोस्ट करके इस तरीके से क्रश कर लिया है अब इन्हें भी हम क्रीम में शामिल कर देंगे फिर हल्के हाथों से तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस डिजर्ट में फ्रूट एंड नट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कोई भी फ्रूट और ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से यह बहुत ही मज़ेदार बन जाता है और साथ ही हेल्दी भी अब ये देखिए हमने तीनों चीज़ों को क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमने जो बेस तैयार करके रखा था उस पर हम क्रीम को पोर कर देंगे क्रीम को पोर कर देने के बाद इस तरीके से इस से हम क्रीम को बिस्किट पर फैला देंगे ताकि इवनली इस पर स्प्रेड हो जाए ये देखिए हमने अच्छे से फैला दिया है हल्का सा टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल वगैरह हो तो वो निकल जाए अब एक पाइपिंग बैग में हमने दो टेबल स्पून के करीब चॉकलेट सिरप डाल दिया है और उस पर इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे ताकि इसमें हम डिजाइन डाल सकें इससे बहुत ही अच्छा एक लुक आ जाता है डिजर्ट के ऊपर जिससे कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है अब ये देखिए हमने इस तरीके से लाइनिंग बना दी है अब यहाँ पर मैंने एक टूथ पिक ली है टूथ पिक से इस तरीके से वर्टिकल लाइन इस तरीके से हम इस पर खींच देंगे हल्के हाथ से अब हम इसके अपोजिट साइड से भी टूथ पिक से इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे और ये देखें बहुत जबरदस्त डिजाइन बन गई है बहुत ही आसानी से यह हमारा बहुत ही जबरदस्त और मजेदार डिलीशियस डिजर्ट बनकर तैयार हो चुका है अब हम इसे कवर कर देंगे और तीस मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही मजेदार लगता है और तीस मिनट के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस और मजेदार बनकर तैयार हुआ है अभी क्योंकि मेरा थोड़ा सा किचन जो है वो गर्म है इस वजह से हल्का हल्का मेल्ट होने लगा है लेकिन अगर आप इसे ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड करके सर्व करेंगे तो ये बहुत जबरदस्त और मजेदार लगता है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं बहुत जबरदस्त आया है टेस्ट में तो इतना मज़ेदार है कि अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाएंगे तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा उम्मीद करती हूँ कि डेजर्ट आपको बहुत पसंद आएगा मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हाफिज़